हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन यू चेतना और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, जिसमें मैंने वियर करी है ये कांजीवरम सिल्क साड़ी और इसके साथ मैंने बनाया है गजरा और एक साउथ इंडियन नेक पीस के साथ में और झुमके पहनकर मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से सिल्क साड़ी के ऊपर एक ब्यूटीफुल मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह का नेक पीस पहनकर और इस टाइप के कुंदन के और पर्ल के झुमके पहनकर आप अपने लुक को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पिंक कलर की और पर्पल कलर की मिक्स कलर में मैंने एक कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी है और इस सिल्क साड़ी के साथ में मैंने हाई नेक का ब्लाउज़ स्टिच करवाया है। मैंने इसके साथ का ब्लाउज स्टिच नहीं करवाया है और यहाँ पे मैंने वियर किया है एक हाई नेक ब्लाउज़, उसके साथ में मैंने कुंदन और पर्ल का ये नेक पीस पहना है जिसके बारे में मैं आप लोगों को रिव्यू दे चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने इसके साथ में मैचिंग के इयररिंग्स या झुमका बोल सकते हैं जो मैंने वियर किए हैं और उसी के साथ में मैंने अपने बालों की हेयर स्टाइल में गजरा बनाया है और इसके लिए आप मेरा गजरे का सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपने लुक को क्रिएट किया है और इस सिल्क साड़ी के साथ में मैंने वियर किए हैं फ्लैट्स। मुझे कोई हील्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो आप चाहें तो कुछ भी पहन सकते हैं सिल्क साड़ी के नीचे, वैसे फ्लैट्स ही सही रहते हैं, जिनकी हाइट कम है वो हील्स पहन सकते हैं। और उसी के साथ में मैंने बैंगल्स और फिंगर रिंग वियर करी है, आप चाहें तो कुछ भी पहन सकते हैं। अब मैं अपना मेकअप लुक स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर के लिए मैंने लिया है कलाबाग का प्राइमर, जो कि बहुत अच्छा प्राइमर है, स्किन को फ्लॉलेस बनाता है। प्राइमर लगाने के बाद में मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का एज रिवाइंडर कंसीलर, बहुत ही अच्छा कंसीलर है ये, इसके बारे में भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ। इसे सबसे पहले अपनी आईज़ पर अप्लाई कर लूँगी, अपने आई को एक इवन कलर दे दूँगी ताकि कोई अनइवन कलर ना दिखे आई शेडो अप्लाई करने पर। इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर आईज़ पर अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये आई हार्ट पैलेट, जिसमें रोज़ गोल्ड ये पैलेट है। यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन पिक कलर पिक कर रही हूँ और उसे अपनी आईज़ की आउटर वी साइड में अप्लाई कर रही हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मुझे सिर्फ क्रीज तक ही ये कलर जो है अप्लाई करना है। देन उसके बाद में सेम पैलेट में से मैं पिंकिश टोन ब्राउन कलर पिक करूँगी और उसे अपनी आईज़ की इनर वी की साइड से आईलिड तक अप्लाई करूँगी। फुल मुझे अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद मैं दोनों कलर को एक तरीके से ब्लेंड करते हुए अपनी आईज़ पर आई शेडो जो है अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। जिस तरीके से मैं अपनी लेफ़्ट आई पर अप्लाई करी उसी तरीके से सेम मैं अपनी राइट आईज़ पर भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद में मैं थोड़ा ग्लिटर या शिमर पिंक कलर जो है अपनी आईलिड पर अप्लाई करूँगी, बिकॉज हम जो है एक फेस्टिवल लुक क्रिएट कर रहे हैं तो आईज़ पर थोड़ा शाइन होना चाहिए। तो मैंने अपनी आईलिड पर एक शिमर पिंकिश टोन कलर जो है अप्लाई कर लिया है, अपनी दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लूँगी मैं इस शिमर ग्लिटर को। लाइट ग्लिटर है, ज़्यादा ग्लिटर नहीं है। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का एक लिक्विड आईलाइनर, जो कि बहुत अच्छा डीप ब्लैक आईलाइनर है। इसे आउटर वी पर एक हल्का सा विंग बनाऊंगी, अपनी अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन के बीच में से मैं एक विंग क्रिएट करूँगी, बहुत लाइट विंग क्रिएट करूँगी और इस आईलाइनर को कंप्लीट कर लूँगी। जिस तरीके से मैंने अपनी लेफ्ट आई पर अप्लाई किया उसी तरीके से हल्का सा विंग बनाते हुए अपनी राइट आई पर भी मैं आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी।
देन उसके बाद में मैं यूज़ करूँगी पैक फाउंडेशन जिसमें मेरा शेड है 1.0। उसे अपने फेस पर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इन प्रोडक्ट के नेम आप मेरे और भी वीडियो वॉच कर सकते हैं, उनमें भी दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन को फेस पर अप्लाई करने के बाद में मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का मैट मैजिक कॉम्पैक्ट, और इसे पाउडर ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कॉन्टोर मास्टर कॉन्टोर पैलेट, जिसमें से मैं कॉन्टोरिंग पाउडर को एक कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से अपने जॉ लाइन की और चिक बोन की कॉन्टोरिंग कर लूँगी, और अपने फॉरहेड की कॉन्टोरिंग भी कर लूँगी। इससे हमारा फेस जो है बहुत ही स्लिम दिखता है, इसलिए कॉन्टोरिंग का पार्ट जो है हमें कभी स्किप नहीं करना चाहिए। एक अच्छे और शार्प मेकअप के लिए कॉन्टोरिंग बहुत ज़रूरी है। इस पर मेरा सेपरेट वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में मैं सेम पैलेट में से जो है ब्लश पिक करूँगी, और एक ब्लश ब्रश की हेल्प से पहले मैं अपनी नोज़ की कॉन्टोरिंग भी कर लूँगी। देन उसके बाद में मैं सेम पैलेट में से ब्लश पिक करूँगी। इस पैलेट का जो ब्लश है वो थोड़ा शिमरी टच देता है, जो कि फेस्टिवल सीज़न के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं एक ब्लश ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर, अपने चिक पर जो है ये ब्लश अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं सेम पैलेट में से एक फैन ब्रश की हेल्प से अपने फेस की हाइलाइटिंग कर लूँगी। जहाँ पे भी फेस की हाइलाइटिंग एरियाज हैं वहाँ पर मैं अपने फेस की हाइलाइटिंग कर लूँगी बहुत अच्छे से। हाइलाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए हमें हाइलाइटिंग भी कभी स्किप नहीं करनी चाहिए। देन उसके बाद में मैं मेबलिन की डियो शार्पर आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी। उसमें मेरा शेड है ब्लैक, तो इस तरीके से मैं स्मजर यूज़ करते हुए अपनी आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर के गैप को फिल कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने कैसे कलर फिल कर लिया है अपनी आईब्रोज़ के अंदर। देन मैं उसके बाद में स्पूली की हेल्प से अपने हेयर को अच्छे से सेट कर लूँगी, आईब्रो के हेयर्स को। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन कोलोसल काजल, और मैं अपनी इस काजल को जो है आधी आई तक यानी आईलेट तक ही अप्लाई करूँगी, आईलेट के नीचे तक ही इस काजल को अप्लाई करूँगी। देन उसके बाद में स्मजर की हेल्प से मैं इस काजल को स्मज कर लूँगी हल्का सा। देन उसके बाद में सेम आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर पिक करूँगी, और एक आई शेडो स्मजर की हेल्प से अपनी आईज़ पर जो है आई शेडो को स्मज कर लूँगी, दोनों आईज़ पर इस आई शेडो को स्मज कर लूँगी, ताकि आई का लुक जो है काफ़ी ब्यूटीफुल सा क्रिएट हो सके। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से स्मज कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ करूँगी, और इससे अपनी आईज़ की लैशेस को एक हाई वॉल्यूम दे दूँगी। हमें नीचे देखते हुए मस्कारा अप्लाई करना चाहिए, इससे मस्कारा अच्छे से अप्लाई होता है। उसके बाद में मैं सेम पैलेट में से हाइलाइटर यूज़ करूँगी, और अपनी आईज़ की इनर वी की साइड जो है अपनी आईज़ को, इनर कॉर्नर्स को जो है हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं आईब्रो के नीचे भी हाइलाइटिंग पॉइंट पर इस हाइलाइटर को अप्लाई कर लूँगी। इस तरीके से हमें आईज़ को और आईब्रो के नीचे हाइलाइटिंग पॉइंट को हाईलाइट करना है। देन उसके बाद में मैं लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका की अल्ट्रा मैट लिपस्टिक, ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बट ड्राई ना हो इसलिए मैंने अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो शेड यूज़ किया है वो है डाइना, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी रिव्यू दे चुकी हूँ। आपके लिप्स को अच्छा सा और ब्यूटीफुल सा लुक देने के लिए आपको लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के साथ साथ में जो भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर लेना चाहिए, ताकि हमारी लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा सा लगे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये देखिए मेरा लुक क्रिएट हो चुका है। अब मेरा लुक देख सकते हैं फाइनल लुक के साथ में विद साड़ी और गजरा, कितना ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट हुआ है। आप लोग भी इस तरह का लुक जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।